ऑपरेशन uh, मैनेजर्स uh, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस को देखें तो मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग एक तो प्लानिंग उसके अंदर आ जाती है द अदर थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग ठीक है प्लान सब डेवलप करते हैं मैनेजर्स फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वाले भी मार्केटिंग प्लान डेवलप करेंगे फाइनेंस वाले फाइनेंस प्लान डेवलप करेंगे इसी तरह ऑपरेशन मैनेजर वो भी ऑपरेशन uh, के प्लान डेवलप करेंगे फिर आती ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज करना ठीक है हर एक हर मैनेजर का, का काम ऑर्गेनाइजिंग uh, के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टाफिंग हायर करना ठीक लोगों को ठीक जगह लगाना दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर दर वो मैनेजर मार्केटिंग का है फाइनेंस का है ऑपरेशंस का है लीडिंग इज इनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए मैनेजर एंड फाइनली द कंट्रोलिंग पार्ट इसके अंदर अगर हम देखें कि जो ऑपरेशन uh, मैनेजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तो हम उसको देख सकते हैं ये जो स्ट्रेटजिक ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजनस हैं उनको स्टडी कर कर कि ये जो दस डिसीजंस हैं इन सब डिसीजंस के अंदर जो ऑपरेशंस मैनेजर है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप किस तरह गुड्स और सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर ऑपरेशन मैनेजर का रोल होता है कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहिए ये सारा जो ऑपरेशंस मैनेजर है उसके कंट्रोल में होता है फिर क्वालिटी मैनेज करना दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो मैं इधर स्ट्रेटजिक डिसीजन बता रहा हूँ इसमें से मेजॉरिटी हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे प्रोसेस एंड कैपेसिटी स्ट्रेटजी, कौन सा प्रोसेस तो यूज किया जाए ठीक है कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा परचेज कर ली है तो यू हैव वेस्टेड मनी अगर कैपेसिटी से कम परचेज की है तो फिर आपके सेल uh, आप लूज करेंगे और प्रॉफिट आपका कम होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, आ जाती है लोकेशन स्ट्रेटी इज़ अदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्योंकि लोकेशन एक बार सेलेक्ट कर लें तो उसको फिर चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इवन इन सम सर्विस इंडस्ट्री आल्सो फॉर एग्जांपल होटल्स हैं हॉस्पिटल्स हैं लार्ज हॉस्पिटल्स हैं तो उनको चेंज उनकी लोकेशन चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स जब नॉर्थ uh, पार्ट uh, uh, से लोग मूव करने लगे साउथ की तरफ जहाँ के ज़रा सनशाइन होता है इतनी ठंड नहीं होती तो कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज बंद की सिर्फ टेन परसेंट कंपनीज थी जो कि जिन्होंने अपने प्लांट्स क्योंकि वो इतने हाई टेक्नोलॉजी के थे कि उनको उन्होंने शिफ्ट किया मशीनरी वगैरह अदरवाइज उन्होंने प्लांट इधर क्लोज कर कर नाइन्टी परसेंट ने साउथ के अंदर जाकर नए प्लांट लगाए तो ये आप देख सकते हैं कि लोकेशन स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है दैन देर इज ले आउट स्ट्रैटी कौन सा ले आउट हमने यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिज़ाइन जॉब डिज़ाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज के अंदर जब हम किसी को बोनस पे करते हैं या कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जी इतने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं तो वो किस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि एक घंटे में वो जो ले वर्क वर्कर है वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो उसके स्टैंडर्ड्स डिवेलप किए जाते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम बायर टू कस्टमर और इस सारी चीज के अंदर जो फोकल फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज इनदर वन जिसको हम शॉप फ्लोर शेड्यूलिंग भी कहते हैं ये Uh, इसके अंदर किस तरह कौन सा प्रोडक्ट uh, जो है किस मशीन पर कब उसकी प्रोडक्शन शुरू हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है और इसके अंदर अभी तक ऑप्टिमम सोलूशन नहीं मिल सका तो इसलिए मैनेजर uh, को बहुत uh, uh, वो क्या कहते हैं ऑन ऑन द टोज उनको रहना पड़ता है टू सी कि जी वो ठीक प्रोडक्ट uh, को ठीक मशीन के ऊपर उसके ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि एक वक्त के अंदर बेताशा डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो किस मशीन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट की पहले बारी आनी चाहिए उसकी डिसीजन करनी पड़ती है एंड देन देर इज मेंटेनेंस शुड वी गो फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसको किस तरह हैंडल किया जाए सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यूजली वी गो फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस बट मैनुफैक्चरिंग के अंदर हम कहते हैं कि हमें प्रिवेंटिव uh, मेंटेनेंस की तरफ जाना चाहिए उसका पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए दैट विल सेव अस लॉट ऑफ हेड एंड लॉट ऑफ मनी